हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हम जिस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू ओवरकम द फेलियर। मतलब कि आप कोई काम करते हैं, उस काम में आपको अगर फेलियर मिलता है तो ऐसा क्या करें हम कि उस फेलियर से ओवरकम कर जाएं और नए सिरे से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करें। वेलकम टू सक्सेस मोटिवेशन, मैं हूँ अर्पित। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो पर जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो उस टॉपिक को आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं तो फेलियर जो है हर किसी के साथ होता है, हर किसी की लाइफ में फेलियर हुआ है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मेरे साथ भी अपनी लाइफ में फेलियर्स हुए हैं जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी। लेकिन फ्रेंड्स, उस फेलियर्स के साथ में हमें रुकना नहीं है, हमें उस फेलियर से सीखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उससे भी पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मतलब इस टॉपिक में बात करें उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर फेलियर है क्या। क्या फेलियर डेड एंड है? मतलब कोई काम हमने किया, उस काम में हम फेल हो गए, हम उसको सक्सेस नहीं हो पाए एट द टाइम, तो क्या हो गया? फेलियर हो गया, मतलब क्या डेड एंड हो गया, मतलब हम लाइफ में कभी सक्सेस पा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है फ्रेंड, फेलियर इज नॉट एक्चुअली अ फेलियर, फेलियर इज अ नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस। फ्रेंड्स, लाइफ इज अ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि आपने कोई काम किया, उस काम में फेलियर हो गया, इसका मतलब नहीं कि अब आप डेड एंड हो गया है। लाइफ में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, बस आपको उसको देखना है, समझना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके काम की है और उसके ऊपर आपको काम करना है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि लाइफ में फेलियर तो हर किसी के साथ आना है। जो उस फेलियर से ओवरकम कर जाएगा वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो चुपचाप बैठ जाता है, रोने लगता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आज हम इसी बात पर, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कर रहे हैं कि भाई उस फेलियर से ओवरकम हो जाए। फ्रेंड्स, क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं, सभी लोग देखते भी हैं, सबको पसंद है। इंडिया में है तो क्रिकेट तो सब ऑब्वियस है, सबको पसंद होगा। तो आज हम लाइफ को क्रिकेट से रिलेट करके देखते हैं, शायद आप उसको और अच्छे से समझ पाएं। क्रिकेट में क्या होता है कि क्रिकेट में एक बॉलर होता है जो कि आपको बॉल करता है, अब बैट्समैन होता है जो कि खेलता है। तो जरूरी नहीं होता कि हर बॉल पे सिक्स लग जाए या हर बॉल पे रन जाए। सेम लाइफ में भी है कि लाइफ में भी आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती हैं, बस उस अपॉर्चुनिटीज पर आपको काम करना है, रुकना नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी आई, फॉर एग्जांपल एक बॉलर ने एक बॉल डाली, एक अपॉर्चुनिटी आपको दी, आपने पूरी तैयारी की, पूरी तैयारी के साथ उसको खेला, लेकिन किसी रीजन से वो मिस हो गई, मतलब आप उस अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर पाए या उस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा पाए। तो अभी क्या, अभी तो बहुत सारी बॉलें आनी बाकी हैं फ्रेंड्स। सेकंड अपॉर्चुनिटी आती है, सेकंड फेल होते हो, थर्ड होते हो, फोर्थ होते हो, फिफ्थ होते हो, लेकिन लास्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिस पे आप आगे बढ़ के सिक्स मारोगे। क्यों मारोगे? क्योंकि पिछली पांच गेंदों से या पिछली पांच अपॉर्चुनिटीज से, उनके फेलियर से आप इतना सब कुछ सीख चुके हैं कि अब आप जो छठी अपॉर्चुनिटीज आएगी ना फ्रेंड, तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। रीजन बस जो भी रीजन नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा बस एक ही शर्त है उसके लिए कि आपको उस अपॉर्चुनिटी से, उस फेलियर से सीखना है कि क्या मुझसे गलती हुई थी, उस बॉलर ने कितनी कैसी बॉल डाली जो मैं खेल नहीं पाया उसको, उसी फेलियर से आपको सीखते जाना है। अगर आप उससे सीख गए ना फ्रेंड्स, तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसको हम सेल्स से अगर कनेक्ट करूँ मैं अगर, तो दिन में अगर आप 10 कस्टमर से मिलते हो तो हो सकता है 9 कस्टमर आपको मना कर दे, लेकिन ये बहुत पॉसिबल बात है कि 10वां कस्टमर आपको हाँ कर दे और वो 10वां कस्टमर आपके पूरे महीने के हो सकता है टारगेट्स को पूरा कर दे। बस आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, मैक्सिमम कस्टमर से मिलना है, या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है अगर आप किसी पढ़ाई के फील्ड में हो या किसी स्पोर्ट्स में हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है, अब सचिन को आप सब जानते हैं, तो ऐसा नहीं है उसने पहले ही मैच में 200 मार दिया था, उसके लिए उसने इतने साल प्ले किया, उसने अपने आप को तपाया, उसने अपने आप को और फाइन किया, अपने फेलियर से सीखा, जैसे आउट होता है तो किस रीजन से आउट हुआ उस चीज़ को समझता है, और फिर एक दिन जाके उसने 200 भी जरूर मार दिया। तो सेम वही है लाइफ का भी कि आप हर दिन सीखें, अपने हर फेलियर से सीखें और आगे बढ़ते चले जाएं। आपको सिर्फ उस एक दिन का, उस एक बॉल का इंतजार करना है जो कि आपके पाले में गिरेगी, जिस पे कि आप आगे बढ़ के छक्का मारोगे और पूरे पुराने फेलियर्स को सबको ओवरकम करते चले जाओगे। बस उस एक दिन का तैयारी करनी है, वो एक दिन आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। इसलिए आपको रुकना नहीं है। अब करना क्या है आपको? अब हम समझते हैं कि आखिर फेलियर होता है तो हम करते क्या है और हमें करना क्या है। फ्रेंड्स, जब भी फेलियर होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। नो डाउट, रोना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मैं कह भी नहीं सकता और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, तो ह्यूमन नेचर है कि किसी भी चीज़ में आप फेलियर होते हो तो ऑब्वियसली बात है दुख होता है, एक दिन दो दिन रोना भी होता है, रोइए। लेकिन उसके साथ आपको करना क्या है, उस फेलियर को एक्सेप्ट करना है। मतलब कि आप फॉर एग्जाम्पल चार लोगों के ग्रुप में बैठे हो, ऑब्वियसली बात है आपका बहुत लोगों के जो मजाक भी उड़ाते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब यही कहेंगे कि आपको यार कि बना किया था तेरे को, ये काम मत करे, अब फेलियर हो गया ना, तो कोई बात नहीं, आपको अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए एक्सक्यूजेज नहीं देने। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जब आप फेलियर होते हो ना, तो अड़ोसी पड़ोसी फैमिली फ्रेंड्स सब आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बोलते हैं क्या तेरे को मना किया था ना, देख लिया फेलियर हो गया, कोई बात नहीं फ्रेंड्स,
उनको सबको ये कहना है कि हाँ भैया मैं फेलियर हो गया, मैंने कोई काम किया था जिस काम में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन उससे मैं रुकूंगा नहीं फ्रेंड्स, मैं फिर से तैयारी करूंगा, फिर से प्रिपरेशन करूंगा, फिर से डट के सामना करूंगा, पूरी तैयारी पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा, जो काम मैं करना चाहता था, जो काम मैं नहीं कर पाया उस काम को मैं करके दिखाऊंगा। तो फेस द फेलियर, आपको कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं फ्रेंड्स कि नहीं मैं हाँ फेलियर हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया था इस वजह से फेलियर हो गया, मेरा एग्जाम बहुत टफ आ गया था इस वजह से मैं पास नहीं पाया, तैयारी तो मैंने पूरी करी नहीं। फ्रेंड्स अगर आपने तैयारी पूरी करी होती तो 100% आप पास हुए होते। कहीं ना कहीं हमसे ऐसी गलतियाँ जरूर हो जाती हैं जो कि हमें फेलियर की तरफ लेके चली जाती हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड, अगर फेल भी होते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ सेकंड टॉपिक यही है मेरा कि आप लर्न फ्रॉम इट, कि आपने अगर फेलियर हो गया है तो कोई बात नहीं, अब उससे सीखना है आपको, जितना हो सके सीखना है। आप फेल हो गए किसी एग्जाम में तो आपको समझना है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक थे जिन पे हम पढ़ाई नहीं कर पाए, या ऐसे कौन से सेंटर थे जिसको हम ज्वाइन कर सकते थे तो शायद पास और अच्छे से नंबर से पास हो जाते, या और अगर हम 5 घंटे के 7 घंटे पढ़ते तो हम पास हो जाते। बस इसी चीज़ को एनालाइज करना है, इस फेलियर को एनालाइज करना है, 100% सक्सेसफुल हो जाओगे आप, तो ओवरकम फ्रॉम इट। जो भी फेलियर हो गया है ठीक है, हो गया फेलियर, अब आपको 2-5 दिन रेस्ट करना है, उसके बाद आपको एनालाइज करना है। एनालाइज आपने कर लिया कि आप कहाँ गलती थी, बस अब आपको सेकंड स्टेप लेना है। सेकंड स्टेप मतलब कि अब आपको बाहर निकलना है उससे और नए सिरे से शुरुआत करनी है। यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आपने अगर फेलियर से ओवरकम करके सीख लिया और दोबारा से इसको स्टार्ट कर लिया ना, 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फ्रेंड बस एक यही ऐसा टॉपिक था जिस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो इस पर मतलब कि चाहते थे वीडियो बने, बहुत सारे लोग थे जो ऐसा करते हैं जैसे मैंने भी किया है अपनी लाइफ में, कई बार फेलियर हो जाता था तो बहुत उदास होकर बैठ जाते थे, लेकिन नहीं, उसी फेलियर से सीखा, आगे बढ़े और शायद आज हम लोग एक ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, काम कर रहे हैं। बस वही काम आपको करना है फ्रेंड्स, अपने फेलियर से सीखना है और आगे बढ़ते जाना है।